देश का बजट पेश होने के बाद भाजपा फूले नहीं समा रही। इस बजट को ऐतिहासिक बताने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही। आपको बता दें, प्रदेश प्रवक्ता बीरेंद्र बिष्ट कोटद्वार पहुंचे और पत्रकारों से रूबरू होते हुए धावी सरकार के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है। वहीं बजट पेश होने के बाद 2025 में उत्तराखंड राज्य सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने वाला है। वहीं उत्तराखंड की जनता ये बजट मील का पत्थर साबित होगा, उन्होंने कहा। वहीं उन्होंने कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा को इस बजट को राजजनक बताते हुए कहा कि जो मूल समस्याएं हैं, रोजगार और पलायन पर कोई भी फोकस नहीं है, जिससे बेरोजगार युवा अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है। पूरे प्रदेश के आम जनमानस को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पहले बजट से बड़ी अपेक्षाएं और आशाएं थी, लेकिन बजट पेश होने के बाद प्रदेश का हर वर्ग घोर निराशा में है। नौजवान साथियों के लिए रोजगार के लिए कोई रोड मैप तैयार नहीं है। महिला सशक्तिकरण जो कि हमारी रीढ़ होती है, उत्तराखंड की हमारी माता बहनें, उनके विकास के लिए कोई अतिरिक्त बजट की व्यवस्था नहीं की गई है। किसानों का जो बड़ी समस्या, उनका आय दुगुनी करने के लिए इस बजट में कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। उत्तराखंड राज्य का जो बजट अभी गैरसैंण में पास हुआ है, ये ऐतिहासिक बजट है। राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा राज्य के हित में, नौजवान बेरोजगारों के लिए, राज्य के कृषि बागवानी क्षेत्र में, पर्यटन क्षेत्र में ये बजट ऐतिहासिक रहने वाला है। और उत्तराखंड राज्य रोजगार देने वाला राज्य बने, इस बजट में ये कमिटमेंट है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो कहा गया है कि आने वाला जो दशक है 2025 उत्तराखंड राज्य का दशक होगा, ये राज्य 2025 में सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने वाला है।